वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी। मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड, फरमाइए। जी, मैं मुफ्ती साहब से बात हो जी सकती जी है? आपकी बात सुन रहे हैं वो, आप जी बोलिए, हाँ बताइए, सुन रहा बताइए। हूँ। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। जी मैं आपकी बहुत बड़ी मुरीद हूँ, बहुत परेशान हूँ इस वक्त, और मुझे हमारे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है पास पास से, और कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है, तो कर्जा भी बहुत चढ़ गया मेरे हस्बैंड पे। कुछ मुझे प्लीज़ कुछ पढ़ने के लिए बताइए। और हमारे आपस में भी ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, कुछ तो जादू वगैरह का असर भी है। प्लीज़ मुझे कुछ पढ़ाई के लिए दीजिए। आपकी बहुत 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 शुक्रिया आपका। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। सो मच जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। आप इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रही हैं और हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाती हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, आपके मसाइल हल फरमाए। इसके लिए आप दो अमल शुरू कर दें। एक तो मगरिब के बाद 125 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। मगरिब की नमाज से जब फारिग हो जाए तो आप ये अपना अमल शुरू कर लें, दरमियान में बात नहीं करनी। बहुत ज़रूरी बात हो तो एक आध जुमला बोलें, वरना बात ना करें। तो 125 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये 41 डेज़ आपने पाबंदी से करना है। नागे के दिन आ जाए तो बाद में पूरे कर लें, वरना ये 41 डेज मुसलसल करें। और एक कटोरे में पानी रखें, पानी दम करें, पानी घर के जो अफराद जिनको पिला सकें वो पिएं, बाकी घर में छिड़क दें और दुआ खैर कर लें। तो ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, किसी किस्म के जादू टोने असरात नज़र सब जो है वो टूट जाएगी और आप देखेंगी हालात जो है साजगार होने लगेंगे। दूसरा अमल करें सूरह कहफ़। ये 16वें पारे में जो सूरह सूरह कहफ़, ये सूरह कहफ़ जो है ये रोज़ाना 7 मरतबा तिलावत करें, और ये 7 दिन अमल करना आपने। तो 7 मरतबा 7 दिन का ये अमल आज शुरू कर लें अगर, तो बस ये अगले 7 दिन तक रोज़ाना 7 मरतबा, दिन भर में आप मुख्तलिफ मौक़ों पर इसको पूरा कर लें। बस आप समझे इंशाल्लाह आपके माली मामला खजाना गैब से जो है अल्लाह हल फरमा देंगे। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।